This Lallan Top video is presented by TVS Jupiter. आपके लिए एक स्कूटर स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर जो है हर स्कूटर से ज्यादा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। कांग्रेस के दो सांसदों ने 20 मार्च को संसद की एक स्थायी समिति की उस रिपोर्ट से खुद को अलग कर लिया जिसमें केंद्र सरकार से आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को लागू करने की अनुशंसा की गई है। ये कानून उन 3 कृषि कानूनों में से एक है जिसके खिलाफ किसान लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और इन कानूनों को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कांग्रेस और TMC ने BJP पर आरोप लगाया है कि नियमों का उल्लंघन किया गया। समिति के नियमित अध्यक्ष सुदीप बंदोपाध्याय की गैर मौजूदगी में इस रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया गया। सुदीप बंदोपाध्याय इस समय पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। कांग्रेस के सांसदों यानी सप्तगिरी उल्का और राजमोहन उन्निथन, इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अलग अलग लेटर लिखा है। उनसे आग्रह किया है कि वे इस मामले में संज्ञान लें और उन्हें लिखित असहमति दर्ज कराने की अनुमति दें। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्का ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे लेटर में कहा है कि इस मामले का संज्ञान लें और मुझे रिपोर्ट को लेकर आधिकारिक रूप से असहमति दर्ज कराने का अवसर प्रदान करें। इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार से अनुशंसा की गई है कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को हूबहू लागू किया जाए। उल्का ने कहा है कि 16 दिसंबर को हुई इस समिति की मीटिंग में मैंने 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में ड्राफ्ट रिपोर्ट ईमेल के जरिए 17 मार्च 2021 को सर्कुलेट की गई और 18 मार्च को 10 से 10:30 के बीच स्वीकार कर ली गई। संसद के पटल पर उनकी असहमति दर्ज कराए बिना ही रख दिया गया। जब रिपोर्ट पास हुई तो वे बैठक में थे ही नहीं। हालांकि लोकसभा की वेबसाइट पर उनका नाम उन सदस्यों में है जिन्होंने 18 मार्च को मीटिंग में हिस्सा लिया था। वहीं कासरगोड से सांसद राजमोहन उन्निथन ने भी लोकसभा अध्यक्ष को इस मामले में लेटर लिखा है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि कोरम के अभाव में 2 बार समिति की बैठक स्थगित कर दी गई थी। इस बार उन्होंने 17 मार्च को बैठक की जिसमें मैं शामिल ही नहीं हो सका। मैंने अध्यक्ष को खुद को रिपोर्ट से अलग करने के लिए लिखा है। वहीं TMC नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया है कि ये BJP की सस्ती ट्रिक है। जब कमेटी अध्यक्ष मीटिंग में नहीं थे तो इसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए था। कृषि कानूनों को लेकर TMC का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, इन कानूनों को वापस लें। BJP सांसद अजय मिश्रा टेनी की कार्यवाहक अध्यक्षता में खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर बनी स्थायी समिति की रिपोर्ट 19 मार्च को लोकसभा के पटल पर रखी गई। BJP के मेंबर टेनी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि समिति के किसी भी सदस्य ने मुझे असहमति नोट नहीं दिया। रिपोर्ट को सभी सदस्यों की सहमति से अपनाया गया था। इससे पहले मीडिया में खबर आई थी कि खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर संसद की स्थायी समिति ने सरकार से एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 को लागू करने की सिफारिश की है। इस समिति में BJP, कांग्रेस, TMC, आप, NCP और शिवसेना सहित 13 दलों के सदस्य हैं। लेकिन अब कांग्रेस सांसदों के असहमति जताने की बात सामने आई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।